तुमसे दिल जो लगाया तो जहां मैंने पाया। गाइज आपने देख लो किस टाइप की वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला, तो वीडियो एडिटिंग सीखने तो वीडियो को फुल वॉच करें। सो हे व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज कैसे हो सारे, आई होप आप सारे मस्त होंगे। तो गाइज इस वाली वीडियो में यार तुम्हारा भाई बताने वाला है कुछ ब्रोकन वीडियो एडिटिंग, सैड वीडियो एडिटिंग। इस वीडियो में तुम्हारा भाई फुल टोटल बताने वाला है, तो यहाँ पर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को तो लाइक ही करता है, लाइक कर देना। जो भाई चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। साथ ही साथ अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कराया था, क्या कर रहे हो भाई, फॉलो कर लेना। वहाँ तुम्हारा भाई रिंग सेटेड नई नई मैनिपुलेशन कॉम सेट वगैरह अपलोड करता रहता है। अच्छे लगे तो आप लाइक वगैरह कर देना, फॉलो भी कर लेना। तो गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लास्ट डू इट। ओके तो गाइज यहाँ पर मैंने मोबाइल स्क्रीन ओपन कर लिया। तो ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर हमारी दो एप्लीकेशन है जिसमें हम वीडियो एडिटिंग बताने वाले। तो गाइज एक का नाम है इंशूट, एक का नाम है वीएन। तो गाइज ये दोनों एप्लीकेशन को आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो यार प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जाकर डाउनलोड कर लेना। इनका लिंक भी तुम्हारा भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। तो गाइज पहले आपको एप्लीकेशन कौन सी ओपन करनी है, यहाँ पर गाइज हम इंशूट ओपन कर लेते हैं। तो इंशूट आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर गाइज एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे गाइज हमारी ये वाली वीडियो थी, तो ये वीडियो थी हमारी फोन से शूट करी थी। शूट करने के बाद गाइज आपको एडिटिंग का प्रोसेसर बताते तुम्हारा भाई। तो यहाँ पर हम कहते हैं क्या करने वाले हैं, तो भाई जैसे कि गाइज आपने बैकग्राउंड देखा होगा, गाइज आपको बैकग्राउंड भी चेंज करना है ना, लाइट रूम की तरह। जैसे गाइज आप बैकग्राउंड में कलर चेंज कर देते, तो वो कैसे करना है आपको जाना है गाइज यहाँ पर फिल्टर वाले ऑप्शन में। तो फिल्टर पर टैप करना, टैप करने के बाद यहाँ पर गाइज बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर इफेक्ट, फिल्टर और एडजस्टमेंट। तो गाइज आपको एडजस्टमेंट पर टैप करना है। जैसे गाइज आप एडजस्टमेंट पर टैप कर दोगे ना, टैप करने के बाद यहाँ पर गाइज स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर गाइज बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, लाइटिंग कंडीशन, हाईलाइट, शेडो वगैरह, फेड वगैरह, सब कुछ शार्प वगैरह, गाइस बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जो गाइस आपको लाइट रूम में मिलते हैं, टोटल ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो गाइस इससे कर दी तो मैंने वीडियो एडिटिंग। तो गाइस आपको बैकग्राउंड कलर पता था, तो उन्होंने कैसे चेंज करना है। तो गाइस आपको मिलता है यहाँ पर HSL का ऑप्शन। तो गाइस HSL पर आप टैप करना, टैप करने के बाद गाइस बिल्कुल लाइट रूम का इंटरफेस दिखेगा, कोई सैचुरेशन लूमिनस। आप लाइट रूम यूज़ करते हो तो आपको पता होगी बिल्कुल। तो गाइस हमें सैचुरेशन पीछे की डाउन करनी है। तो गाइस जैसे ग्रीन कलर है, ये बिल्कुल बेकार लग रहा है मुझे, तो गाइस हमें करना है ब्लैक। तो गाइस आपको ग्रीन कलर पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सैचुरेशन पर आने के बाद आपको ग्रीन कलर पर सेलेक्ट करने के बाद इसे आप बढ़ा सकते हो उसके कलर, या गाइस आप माइनस कर सकते हो। तो गाइस तुम्हारा भाई ने माइनस कर दिया, और गाइस हमारे बैकग्राउंड में येलो कलर है यहाँ पर रोड पर, इन्हें भी हम गाइस ब्लैक कर देंगे। तो ब्लैक करने के बाद यहाँ पर आप गाइस स्काई ब्लू देखते हैं, तो स्काई ब्लू को आपको चेंज करना है ना, तो आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर डाउन कर सकते हो, तो स्काई आपका ब्लैक हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो गाइस आप इसकी सैचुरेशन बढ़ा सकते हो। तो गाइस मुझे स्काई ब्लू रखना है बिल्कुल, यहाँ पर गाइस की भी हम सैचुरेशन बढ़ा देंगे लूमियस जाने के बाद। यहाँ पर हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद यहाँ पर गाइस बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, बस गाइस मेरे बैकग्राउंड में दो तीन कलर थे वो मैंने चेंज कर लिया। तो चेंज करने के बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद गाइस आपको फोटो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम हो तो आप शार्प वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर आपकी लाइटिंग वगैरह बेकार हो तो आप डाउन ज़्यादा कर सकते हो। तो गाइस मैं हल्की सी डाउन कर लूँगा। तो गाइस यहाँ पर मेरे जो टेक्स्ट है ना वो लिखने हैं मुझे, इसलिए तो गाइस यहाँ पर हम कर देंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑप्शन मिलने के बाद गाइस यहाँ पर मैं वॉल्यूम करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा वॉल्यूम का ऑप्शन था, तो ये रहा हमारा गाइस वॉल्यूम का ऑप्शन। तो गाइस जो मैंने वीडियो शूट करी थी वो फोन से करी थी, तो गाइस इसका हम साउंड ऑफ कर देंगे, बेकार साउंड था। साउंड करने के बाद गाइस आपको एक म्यूजिक ऐड करना है। यहाँ पर गाइस म्यूजिक कैसे ऐड करना है आपको बता देता हूँ भाई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर म्यूजिक वाले ऑप्शन पे, तो म्यूजिक वाले पर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर गाइस ओके पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर गाइस आप रिकॉर्ड करना चाहो अपनी वॉइस में तो यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं तो गाइस यहाँ पर आप टैप करना। टैप करने के बाद गाइस आपकी गैलरी में, आपकी फाइल में म्यूजिक पड़ा हो MP3 में तो वो भी चल जाएगा। अगर गाइस वीडियो का साउंड आपको लेना है तो गाइस वो कैसे करना है, आपको एक्स्ट्रा ऑडियो फ्रॉम वीडियो, तो आप इस पर टैप कर देना। अगर आपका वीडियो में साउंड है तो साउंड करने के बाद गाइस मैं एक साउंड ले आऊंगा अपना। सो गाइस यहां पर मेरी वीडियो का साउंड आ चुका। गाइस ये मेरी वीडियो एडिटिंग थी, इसका गाइस मैं साउंड लगाने वाला हूं। तो यहां पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद गाइस यहां पर आपका ये वाला MP3 में साउंड क्लिक हो जाएगा। तो क्लिक होने के बाद यहां पर गाइस आपकी वॉल्यूम इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो गाइस आप मैं बताऊँ एडजस्टमेंट करूँ तो आप 100 पर रखना, बिल्कुल मैक्सिमम सही आवाज़ आएगी। ओके तो यहाँ पर हमारा राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर गाइस हम चलाएंगे से, तो गाइस यहाँ पर मैं इसका वॉल्यूम ना ऑफ कर देंगे।
एक मिनट के लिए, मेरी वीडियो पर कॉपीराइट आ जाए क्या पता। ओके तो गाइस यहाँ पर हमारा साउंड हो चुका है, तो आपको साउंड सुनाने नहीं आ रहा होगा। जब आप वीडियो एडिटिंग करोगे आप वॉल्यूम वगैरह सब ऑफ ऑन कर लेना। ओके तो यहाँ पर हमारी वीडियो एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो कंप्लीट होने के बाद साउंड वगैरह सब क्लिक हो चुका है। तो क्लिक होने के बाद गाइस असल में एक एडिटिंग और रह चुकी है यहाँ पर गाइस। जो तुम्हें मैंने टेक्स्ट लगाया था ना, एक टेक्स्ट लगाया था वो गाइस में वीएक्स इफेक्ट थे, वो भी बताने वाला है तुम्हारा भाई। तो वो कैसे लगाने गाइस, यहाँ पर आपको करना है वीडियो को सेव। तो मैं इसका वॉल्यूम ना कर देंगे राइट क्लिक करने के बाद। यहाँ पर गाइस बता दे तुम्हारा भाई ऊपर मिलेगा गाइस आपको सेव का ऑप्शन, को सेव पर आप टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको दो टोन मिल जाते हैं यहाँ पर, 1080 या आप 720 में कर सकते हो। तो गाइस मैं सजेस्ट करूँगा 1080 में करो, प्रिंट बहुत बढ़िया आएगा वीडियो का। ओके तो सेव करने पर क्लिक करना यहाँ पर गाइस, जब तक आपकी यहाँ पर गिनती पूरी नहीं हो जाए 100 तक, तो आपको वेट करना होगा। तो मैं वेट कर लेता हूँ जल्दी से। गाइज ये रही हमारी स्क्रीन पर वीएन एप्लीकेशन, तो इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद गाइज आपको दिखता है कुछ ऐसा इंटरफेस। तो यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखने के बाद गाइज आपको कुछ नहीं करना है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो गाइज आपको नीचे जाना है प्लस आइकन पे, तो नीचे मिल जाता है प्लस आइकन। प्लस आइकन के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज आपको एक वीडियो ले आनी है, जो गाइज तुम्हारे भाई ने एडिटिंग करी थी। ओके आपकी गैलरी में जहाँ भी हो वो आप ले आना। ओके तो गाइस यहाँ पर हमारी वीडियो आ चुकी है। तो वीडियो आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है आपको वीडियो एडिटिंग का। तो वीडियो एडिटिंग देखने के बाद गाइस आपको लास्ट में गाइस एक ब्लैक लेयर दिख जाती है, वो गाइस इस एप्लीकेशन का इंटरफेस है, लोगो है मतलब। तो यहाँ पर आपको इसे डिलीट कर देना है, ना तो आपकी वीडियो के एंड में ये चल जाएगा। ओके तो आपको पहला काम ये करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के बाद गाइस आपको जो है मैंने टेक्स्ट बताए थे वो कैसे लाने हैं, तो वो आपको ऐसे लाने हैं। तो गाइस आपको मिल जाता है यहाँ पर टेक्स्ट के नीचे फोटो का ऑप्शन, वीडियो का ऑप्शन। तो गाइस आपको टैप करना है यहाँ पर, गाइस मिल जाता है वीडियो का ऑप्शन। तो गाइस वीडियो पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद एक गाइस वीडियो लगानी है, पहले तुम्हारा भाई बताता है कहाँ से लगानी है वो। ओके गाइस यहाँ पर हमारी वीडियो आ चुके। तो ये वीडियो कहाँ से डाउनलोड करने का, ये कह रही थी मैंने यूट्यूब से डाउनलोड। गाइस जो मेरा साउंड था ना वो गाइस आपको साउंड डाल देना है, और गाइस उसके लास्ट में आपको डाल देना है गाइस ग्रीन स्क्रीन स्टेटस। बस गाइस आपको डाल देना है, गाइस आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिख जाएगी, दिखाते हैं तो भाई चला के। ओके गाइस ये आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी चलती हुई। गाइस यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिखेंगे बहुत सारे, तो गाइस ये मेरे साउंड के टेक्स्ट है। तो गाइस ये चलते चलते जैसे गाइस हमारा साउंड चल रहा है वो आपको टेक्स्ट चलते रहेंगे। तो गाइस आपको डेट टेक्स्ट मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जो उन सभी आपको साउंड आपको सर्च करना है उसके आगे लिख देना है ग्रीन स्क्रीन स्टेटस या ब्लैक स्क्रीन स्टेटस। तो गाइस आपको ऐसे बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे, वो आपको डाउनलोड कर लेने हैं, फिर गाइस आपको ये वाली वीडियो ले आनी है। तो ये आपको यहाँ पर गाइस हमारी ब्लैक स्क्रीन को आपको गायब कैसे करना है वो करना है। गाइस यहाँ पर आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर गाइस, क्रोमा की ये गाइस काइन मास्टर में भी और गाइस वीएन एप्लीकेशन में भी वीएफएक्स के बराबर मिल जाएगा क्रोमा की का ऑप्शन। तो क्रोमा की पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर ब्लैक कलर आपको खुद सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गाइस ये जो टेक्स्ट है ना हमारे, तो आपको दिख रहा होगा ऊपर यहाँ पर गाइस आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट गाइस हल्के हैं। ये गाइस आपको देख लेना, जहाँ पर आपको सही लगे वहाँ आपको आपको कर लेना है। तो गाइस मैं कर लेता हूँ यहाँ पर इनसाइड। तो यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद, राइट क्लिक करने के बाद गाइस देख सकते हो जैसे गाइस हमारा साउंड चलेगा ना, यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। और गाइस यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड भी बिल्कुल गायब हो चुके हैं, बस गाइस हमारे टेक्स्ट डाल चुके हैं। ओके तो यहाँ पर हमारा ये वाली एडिटिंग का कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट होने के बाद गाइस यहाँ पर जो वीडियो में इफेक्ट लगाए थे वो कैसे लगाने गाइस आपको, गाइस जैसे गाइस ये मेरी भी पूरी वीडियो थी, तो पूरी वीडियो होने के बाद गाइस आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको इफेक्ट लगाने हैं ना, तो गाइस जैसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक लगाने हैं, तो यहाँ तक लगाने के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर स्लिप्ट का ऑप्शन, कैची का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको टैप कर देना, ये आपकी दो वीडियो हो जाएंगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। ओके तो जैसे गाइस मुझे यहाँ पर लगाना है, फिर यहाँ पर गाइस मैं दोबारा कट कर लूँगा, फिर गाइस मुझे तीसरा यहाँ पर लगाना है और फोर्थ मुझे यहाँ पर लगाना है। ओके तो लगाने के बाद जैसे गाइस हम पहले वीडियो पर जाएंगे, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर गाइस मिल जाता है आपको एफएक्स का ऑप्शन नीचे, तो एफएक्स पर आपको टैप करना। टैप करने के बाद वीडियो को शुरू से ले आना, तो शुरू ले करने के बाद गाइस यहाँ पर बहुत सारे वीएफएक्स इफेक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर गाइस देख सकते हो फ्लैश वाला, जूम वाला, बहुत सारे गाइस इफेक्ट मिल जाएंगे, स्लाइड राइट गाइस यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो गाइस जो आपको पसंद हो वो आप लगा लेना। तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले गाइस आप फ्लैश वाला लगाओ, जैसे गाइस ऊपर से बहुत तगड़ी वीडियो आती है हमारे साउंड पर, देख सकते हो गाइस यहाँ पर ये वाला साउंड लगा सकते हो आप। ओके तो यहाँ पर हम दोबारा वी एक्स पर क्लिक करेंगे। वी एक्स पर क्लिक करने के बाद अब गाइस यहाँ पर मैं दूसरा ऑप्शन लगाऊंगा यहाँ पर जूम वाला, जूम आउट। तो यहाँ पर हम जूम आउट पर क्लिक करेंगे, जैसे गाइस देख सकते हो यहाँ पर वीडियो हम प्ले करते हैं यहाँ से दूसरी वाली, तो यहाँ पर अच्छा इफेक्ट आ चुका है।
ओके। तो गाइस यहाँ पर हम तीसरे पे क्लिक करेंगे, तीसरे पे क्लिक करने के बाद एफएक्स पे करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे ब्लैक फ्लैश भी मिलता है आपको, ये आप लगा लेना। तो गाइस मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ब्लैक वाला, यहाँ पर गाइस मैं ये वाला लगाता हूँ। ओके तो मैं फोर्थ वाली वीडियो पे यहाँ पर गाइस एंड में आने के बाद ये वाला लगाता हूँ, ये वाला। ओके तो चाहे बहुत सारे इसमें टूल्स वगैरह हैं, ऑप्शन वगैरह हैं, वीएफएक्स इफेक्ट है, तो आप जो सा भी चाहो वो आप लगा सकते हो। बस गाइस तुम्हारा भाई प्रैक्टिकली बता रहा है आपको कैसे कैसे लगाने। तो गाइस यहाँ पर हमारी वीडियो हो चुकी है बिल्कुल मस्त एकदम। बस गाइस साउंड की दिक्कत है, गाइस साउंड तुम्हारे भाई ने ऑफ कर रखा है, आप देख लेना जो उनसे भी आपका साउंड। ओके तो यहाँ पर तुम्हारे भाई ने बता दिया साउंड वगैरह। ओके तो यहाँ पर हमारी वीडियो एडिटिंग हो चुकी है कम्प्लीट। तो यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद गाइज आपको कर लेनी है सेव। तो सेव कैसे करनी है, आपको मिल जाता है ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन, तो एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। बस गाइज नीचे आपको यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ना है, यहाँ पर गाइज नीचे मिल जाता है राइट का ऑप्शन, तो राइट के लिए पर टैप करना, यहाँ पर आपकी वीडियो हो जाएगी सेव। गाइज यहाँ पर आपको वेट करना 100% जब तक नहीं होता। ओके ओके गाइज यहाँ पर कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो यार लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, इस वीडियो को यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऐसे टाइम करते रहो भाई लोग, यार लव यू ऑल।